Hello guys, welcome to my class and I come back to your class. So please guys, listen to me carefully. We will discuss about now this video past perfect tense. Okay, do you know past perfect tense mein whatever work we have done in a past time. Okay, like but whenever we ask about every types of perfect tense like I have done my work, मैं काम कर चुकी हूँ, he had done my work, वो काम कर चुका था, but here is little bit change. Whenever you had done this work, कर चुके थे तब तक कि वो एक काम करने के वाला ही था. जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे घर पहुँचने, मैं तुम्हारे घर पहुँची ही थी कि तुम चले गए, ठीक है ना, ऐसा होता. मैं रेलवे स्टेशन पहुंची ही थी कि ट्रेन लेफ्ट हो गई, ठीक है ना, मेरे वहां जाने के पहले ही बस जा चुकी थी. इस प्रकार का जब सेंस आता है तब हम इस टेंस का यूज करते हैं ज्यादातर, तो वो दो उसमें चलता है. लेकिन वहां पे ध्यान रखना आपको है कि जो पहला वाला जो सेंटेंस है, क्लॉज है, उस क्लॉज में अपन हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. आई हैड डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुकी थी व्हेन यू केम. और सेकेंड वाला काय में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, जब तुम आए, when you came in my house, तुम मेरे घर में आए तब मैं अपना काम कर चुका था, मैं अपना काम कर चुकी थी, है ना. पढ़ाई की दृष्टि से हम सिंपल भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको बहुत अच्छे दृष्टि से समझाने की वजह से आपको दोनों सेंटेंस लिख दिया है. और यहाँ पे जैसे कि कार्य हो चुका था, पहला काम है, देखेंगे जरा इधर, जब दूसरा काम होने के पहले ही पहला और कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है, कि आई हैड डन, आई हैड रिटन, आई हैड कुक्ड, इस प्रकार का जब सेंस आता है कि उसके आने के पहले ये काम हो, जब वो आई तब हो गया था, तो इस प्रकार से पास्ट समय में तब इस टेंस का उपयोग हम करते हैं. जैसे तुम्हारे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना, जब तुम मेरे घर पहुंचे मैं निकल चुकी थी, जब मैं घर पहुंची वर्षा शुरू हो गई थी, ठीक है ना. तो इस प्रकार का जो सेंटेंस बनता है, क्लॉज बनते हैं, तो दोनों क्लॉज में ध्यान रखना, दोनों क्लॉज में हम पास्ट टेंस नहीं ले सकते. एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे और दूसरे क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस लेंगे, ठीक है ना. सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बहुत इजी, व्हेन आई केम, व्हेन आई वेंट, व्हेन आई रेड, ठीक है ना, इस प्रकार का सेंटेंस आता है ये. तो अब हम समझे, तो इसका फॉर्मूला एक बार देख लेंगे. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, और यदि आपको यहाँ पे वैन लगाना है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल पास्ट टेंस लिखते चलेंगे, उसका जो क्लॉज है वो लिख लेंगे. सिंपल पास्ट टेंस में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, है ना, ठीक है. देखेंगे द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, ट्रेन निकल चुकी थी, डिपार्चर्ड हो चुकी थी, यानी शुरू होकर के वो आगे बढ़ चुकी थी. व्हेन यू रीच, जब तुम पहुंचे, जब तुम पहुंचे, द ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है. देखेंगे आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका था बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले, ठीक है ना. यू हैड कुक्ड फूड, तुम खाना बना चुकी थी व्हेन शी रीच्ड योर हाउस, जब वो तुम्हारे घर पहुंची, तुम खाना बना चुके थे जब वो तुम्हारे घर पहुंची, ठीक है. चलिए ही हैड डन हिज वर्क, यहाँ पे हम सिंपल भी ले सकते हैं कि भाई मैम आपने दोनों ही साथ में बता दिए, ठीक है. कभी कभी होता है कि हम पहली बार बता ही नहीं पाते हैं और दूसरा बोलते हैं उसने तो अपना काम कर चुका था, ठीक है, और समझ जाओ. तो जरूरी नहीं कि आपको दोनों बार आपको एक्सप्लेन करना ही पड़े, आप सिंपल भी उनको बोल सकते हैं ही हैड डन हिज वर्क, वो उसका काम कर चुका था. वो तो ऐसा है कि हम लॉजिकली हम उसको बताएंगे सामने वाले बंदे को कि भाई ऐसा ऐसा था, हम उसको रीजन देते हैं, तब आप दोनों चीज लिखते हैं ना. पर यदि ये होता है तो ये सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ तक क्या आता है ना, ठीक है. चलिए शी हैड प्लेड द मैच, वो खेल चुके थे, मैच जो थे वो खेल चुके थे, हो सकता है जब वो पहुंचा तब तक कि वो खेल चुका होगा, उसकी बारी आई उसके पहले ही वो मैच खेल चुके थे, ठीक है ना. चलिए
They had watched a movie when I called him. जब मैंने उन्हें बुलाया उसके पहले वो तो मूवी देख चुके थे. सपोज हो सकता है उसने आपको देखने के लिए बुलाया हो कि भाई हम भी साथ में देखेंगे, बट उसके पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, वो मूवी देख चुके थे. तो ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया. आप चाहो तो सिंगल लेकर के उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉश करके उस चीज़ को पहले समझो और फिर लिखो. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत धीरे धीरे करेंगे. तो पहले एक वर्ब लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे. और हमारे जो डेली रूटीन के सेंटेंस होते हैं, मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ कि जो हम डेली रूटीन के सेंटेंस होते हैं, सपोज यू आर इन क्लास, यू आर इन स्कूल, यू आर इन योर हाउस, तब तो बोलते अच्छा मैं जब पहुंची तो तू घर से निकल गई थी. इस तरह वाक्य करते हो ना आप कई बार. तो इस प्रकार की जब चर्चा होती है तो हम इस टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, नाउ टॉक अबाउट निगेटिव. अगर हमको निगेटिव करना है तो फिर हम क्या करेंगे. निगेटिव करने के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं रहता है, कोई चेंज ही नहीं रहता है, बस वही आई हैड नॉट रेड. ठीक है ना, है ना. तो अब आपको क्या करना है, निगेटिव कैसे बनाना है, तो कोई बड़ा चेंज नहीं करना है. आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और एज इट इज रहने देना है इसको. तो द ट्रेन हैड नॉट डिपार्चर, ट्रेन नहीं गई थी. व्हेन यू रीच, तुम जब पहुंचे तब ट्रेन नहीं गई थी. ठीक है ना, ये भी हो सकता है, आप उसको निगेटिव भी ऐसे कर सकते हैं. आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा था तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले मैंने लेटर नहीं लिखा था. चलिए, ही हैड नॉट डन हिज वर्क, उसने उसका काम नहीं किया था. व्हेन शी केम, जब वो आई मैं उसने उसका काम नहीं किया था. मम्मा आती तब बोलते ना कि वो उसने उसका काम नहीं किया, मम्मा तो आ भी गई तो बोलते हैं कि मम्मा के आने के पहले उसने उसका काम नहीं किया था. She had not played the match. उन्होंने अपना जो मैच था वो नहीं खेला था उस समय तक, है ना, जब तक ये बात आ रही थी सामने तब तक. ठीक है, They had not watched a movie when I called. उन्होंने मूवी नहीं देखी थी when, जब उन्होंने उन्हें बुलाया. ठीक है ना, यहाँ पे आपका निगेटिव खत्म हो जाता है. पर फिर से वही निगेटिव के बाद में अपन क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव कर लेते हैं. तो इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, केवल अपन हेड और उसको बदलेंगे, गाय को हेड को लगाएंगे और सब्जेक्ट बदल देंगे. हेड को कहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा रहने देंगे, है ना. हेड ट्रेन डिपार्चर्ड व्हेन यू रीच्ड, क्या ट्रेन चली गई थी. हैड ट्रेन डिपार्चर्ड व्हेन यू रीच्ड, क्या ट्रेन चली गई थी जब तुम पहुंचे. हैड आई रिटर्न अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर लिख लिया था. बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले क्या मैंने एक लेटर लिख लिया था. हैड यू कुक्ड फूड, हैव यू कुक्ड फूड When she reached your house, क्या तुमने खाना बना चुके थे जब वो तुम्हारे घर पहुंची. ठीक है, फिर had he done his work, क्या उसने उसका काम कर लिया था. When she came, जब वो आई. फिर had she played the match, क्या उसने मैच खेल चुकी थी. फिर दे हैड नॉट वॉच्ड मूवी, तो दे हैड के लिए हैड दे वॉच्ड मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उन्हें बुलाया क्या वो मूवी देख चुके थे. और आंसर आपको पता है कि वही और यस और नो में आ जाता है. और फिर हम WH फैमिली के साथ में लगाएंगे. तो वही मैंने बार बार बताती हूँ कि जो हेड लिखा हुआ है सिंपल टेंस सेंटेंस बने हुए क्वेश्चन बन चुका है. यहाँ पे आपने क्वेश्चन टैग लगा लेना था यहाँ पे. और फिर
फिर यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली, क्या ट्रेन चली गई थी, क्या ट्रेन क्यों चली गई थी जब तुम पहुँचे, ट्रेन कैसे चली गई थी, तुमने कैसे खाना बना लिया था पहले जब वो पहुँची नहीं तो, है ना। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है, आपने कब खाना बना लिया था जब वो नहीं पहुँची तभी, ऐसे होता है ना, तो आपने वैन, हाउ, एट वॉट टाइम, ये डब्ल्यू एच फैमिली के मेम्बर इसके आगे लगा करके अपन लगा सकते हैं ना। एक फिर सिंगल वीडियो में लेकर के मैं डब्ल्यू एच फैमिली के साथ आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम भी नहीं और ये छोटा ब्लैक बोर्ड होने के कारण, ठीक है ना। मुझे लगता है जब तक कि आप इसको अच्छे से समझोगे, फिर एक अपन नए वीडियो के साथ देन हाजिर हो जाती हूँ मैं फिर से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।